जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 3 रोचक गणित पाठ्यपुस्तक में पाठ 4 को कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत हम सभी ने 2 अंकों के पहचान वाले और 2 अंकों के जो शब्दों से संबंधित प्रश्न थे, हमने अपने पिछले क्लासेस में किया था। तो बच्चों, जितने भी बच्चे उन क्लासेस को उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये जितने भी प्रश्न हैं आगे के, वो बहुत ही आसान लगेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं इसके बाद 3 अंकों वाले घटाव के प्रश्न। तो 3 अंकों वाले घटाव के प्रश्न में यहाँ पे आप लोग निकालिए पृष्ठ संख्या 40, पेज नंबर 40 निकालिए। उसमें हम लोग करेंगे 3 अंकों वाले घटाव के प्रश्न। तो यहाँ पे पृष्ठ संख्या 40 में दे रखा है बच्चों 567, और नीचे है 345। हमें बतलाना है कि हम 567 में 345 घटाएंगे तो कितना बचेगा। हम घटाते किस प्रकार है, हमने 2 अंकों वाले प्रश्नों में समझा था कि सबसे पहले हम इकाई के अंकों को घटाते हैं, उसके बाद हम दहाई के अंकों को घटाते हैं, और अंतिम में हम लोग सैकड़े के अंकों को घटाते हैं। इसमें सिर्फ सैकड़ा ही अंक बढ़ गया है, क्योंकि 2 अंक तो था इकाई दहाई, इसमें सिर्फ सैकड़ा बचा है, तो सैकड़े के अंकों भी हम घटा लेंगे। सबसे पहले देखिए, इकाई के अंकों में यहाँ पे है 7 और नीचे है 5। 7 में से 5 को घटाना है, तो हम लोग 5 से 7 तक जाते हैं। तो 5 के बाद 6 7 कितना हुआ, 1 2, 2 हो रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 2, ठीक है। अब दहाई के अंकों में ऊपर है 6, नीचे है 4, यानी हमें 4 से 6 तक जाना है ना, 4 से 6 तक जाना है। तो 4 के बाद 5 6, फिर से 2 हो रहा है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे है 5 और 3, सैकड़े के अंकों में 5 और 3, तो हमें 3 से 5 में जाना है, तो 3 के बाद 4 5 कितना हुआ, 2, 2 लिख देंगे जी। कितना हुआ हमारा उत्तर, 2 2 2, 222। काफ़ी सरल है। दूसरा प्रश्न है 468 में 235 को घटाना है। सबसे पहले इकाई का अंक यहाँ 8 और नीचे है 5, तो 5 के बाद जाते हैं 6 7 8, कितना हुआ, 3 3 लिख देंगे। यहाँ पे है 6 और उससे 3 घटाना है, तो 3 के बाद जाते हैं 3 के बाद 4 5 6, 3 बचा 3 लिख देंगे। फिर हमें 4 में से 2 घटाना है, तो 2 के बाद 3 4, 2 बचा 2 लिख देंगे, यानी 233 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग नोट भी कर रहे हो बच्चा, आप लोग समझते भी चलिए और साथ में नोट भी करते चलिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 765 में से 245 को घटाना है। सबसे पहले इकाई का क्या है, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा। आपके पास 5 रुपये है, आपने 5 रुपये की टॉफ़ी खा ली, आपके पास कितने रुपए बचे, 1 रुपये भी नहीं, तो 0 बचे, 0 लिख देंगे। 6 में से 4 घटाएंगे, तो 4 के बाद हमें 6 तक जाना है, 5 6 2, तो 2 हुए 2 लिख देंगे। 7 में से 2 घटाना है, तो 2 से हमें 7 तक पहुंचना है, 2 के बाद गिनिए 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गए सर, तो यहाँ 5 लिख देंगे, यानी 520 बचेगा। ये आपको नोट, आप लोग नोट कर लीजिए। नोट किया बच्चा? तो देखिए, इसके नीचे जो प्रश्न हैं, 3 प्रश्न, वे आप लोगों को अपने से करने हैं, क्योंकि सेम टू सेम इसी प्रकार वे सभी होंगे, काफ़ी सरल हैं, इसीलिए आप लोग उस प्रश्नों को करिएगा। अब आप लोग निकालिए पृष्ठ संख्या 42, पेज नंबर 42 निकालिए। उसमें हम लोग करेंगे घटाव, पैंचा वाले घटाव, 3 अंकों के पैंचा वाले घटाव। इसे किस प्रकार से करेंगे, पेज नंबर 42 आपने निकाला, ठीक है। यहाँ पे है ऊपर में बच्चा 582 में से हमें 238 को घटाना है। कैसे घटाएंगे, देखिए एकदम आराम से समझिए। 582 ऊपर है और नीचे है 238। सबसे पहले हम लोग घटाते हैं इकाई के अंकों को, ठीक है ना। यहाँ पे है 2 और नीचे है 8, 2 में से 8 तो नहीं घटेगा, ठीक है, क्योंकि 2 छोटा है 8 बड़ा है। आपके पास 2 रुपये है, आपसे कोई 8 रुपये मांग रहा है,
आप दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 2 कम होता है, 8 अधिक होता है। इसमें क्या करेगा, इससे कैरी लेगा, 8 से पैंचा मांगेगा। अब 8 से पैंचा मांगेगा तो इसमें 2 हट जाएगा, 2 की जगह हो जाएगा 12। ये चीज़ हमने 2 अंकों वाले घटाव में भी देखा था, और यहाँ 8 है, 8 में से इसे कैरी दिया तो इसके पास बचा 7। अब हमें क्या करना है, 12 में से 8 घटाना है, 12 में से 8 घटाना है, और यहाँ 7 में से 3 घटाना है, इधर 5 में से 2 घटाना है। यहाँ पे 2 का कोई महत्व नहीं है, 8 का कोई महत्व नहीं है, तो 8 से 12 में जाएंगे, 8 9 10 11 12, 4 बचा, 4 लिख देंगे। दहाई के अंकों में 7 में से 3 घटाएंगे, तो 3 के बाद 4 5 6 7, 4 बचा फिर से, तो 4 लिख देंगे। और इधर 5 में से 2 को घटाएंगे, तो 2 के बाद 3 4 5, 3 बचा 3, यानी 344 हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 344, ये हो गया। चलिए इसके दूसरे प्रश्न को भी करते हैं, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, दूसरे प्रश्न में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है 496, इसमें से हमें 167 को घटाना है, तो इसे पहले लिख लेते हैं 496, और नीचे है 167, 496, 167। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इकाई के अंक, यहाँ है 6, यहाँ है 7, 6 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे एक पैंचा लेगा, पैंचा लेगा तो यहाँ हो जाएगा 16, और यहाँ 9 था, इसको एक पैंचा देगा तो यहाँ हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 6 का कोई महत्व नहीं है, 9 का कोई महत्व नहीं है, हमें यहाँ पे 16 में से 7 घटाना है, 8 में से 6 को घटाना है, तो 16 में से 7, यानी 7 के बाद गिनना प्रारंभ कीजिए, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने बिंदु बने, 1 2 3 4 5 6 8 9, 9 बिंदु बने, तो यहाँ होगा 9, यानी इकाई के अंक में आया 9। दहाई के अंक में है यहाँ पे 8, 8 में से हमें घटाना है 6, तो 6 के बाद गिनते हैं, 6 के बाद 7 8, 2 बचे, 7 ही करना है, यहाँ पे हमें 8 में से 6 घटाना है, तो हाँ 2 बचे, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब 4 में से 3 घटाओ, 4 में से ही घटाओगे तो 3, कितना आया 329, तो यहाँ लिख देंगे 329, यानी 496 में से 167 को घटाएंगे तो आएगा 329। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न भी कर लेते हैं, 493 में से हमें 364 को घटाना है, तो पहले लिख लेंगे ऊपर में 493, और नीचे लिख लेंगे 364, 493 में से हमें 364 को घटाना है। इकाई का अंक यहाँ 3, 4, तो 3 में से 4 नहीं घटेगा, इसे एक पैंचा लेगा तो होगा 13। अब इसके पास 9 था, एक पैंचा दिया, बचा इसके पास 8, ठीक है। अब 13 में से 4 को घटाओ, तो 4 के बाद गिनिए, 4 5, यहाँ से 5 6 7 8 9 10 12 13, कितने बने, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बने, तो यहाँ लिखेंगे 9, ठीक है। दहाई में है 8, और 8 में से 6 घटाएंगे, तो 8 में से 6 घटाएंगे, 6 7 8, 2 बने, तो 2 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से 2 लिख लेना है। और यहाँ पे है अंतिम में 4, 4 में से 3 घटाना है, तो 4 में से 3 घटाओगे तो आएगा 1, 129 आ गया जी, तो 129 यहाँ पे लिख लेना है हमें, 129। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। तो बच्चों इसके बाद के जो 6 प्रश्न हैं आप सभी के लिए होमवर्क है, उसे आप लोग होमवर्क में ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद हम लोग करते हैं उसके नीचे के जो प्रश्न हैं। तो होमवर्क में आप सभी को वो प्रश्न करना है, ठीक है, जैसे 424 में से 285 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये सभी प्रश्न आप सभी को होमवर्क में भी करना है। देखिए उसके नीचे दे रखा है कि 504 में 121 घटाना है, इसे किस प्रकार करेंगे, इन प्रश्नों को अभी समझ लीजिए। सबसे पहले इन प्रश्नों को लिखिए, 504 ऐसे लिखिए,
और 121 इसके नीचे लिखिए ऐसे करके, क्योंकि इसे पिछले प्रश्न की तरह हम लोग करेंगे। तो हम लोग इसे इधर लिख लेंगे, इसे 504 ऊपर 121 नीचे, और घटा देना है। तो सेम पहले इकाई के अंक, फिर दहाई के अंक, फिर सैकड़े के अंकों को घटाना है। चार में से एक गया तो तीन, शून्य में से दो नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा लेगा तो हो जाएगा यहाँ 10। पाँच था, इसको एक पैंचा दिया, बचा चार। 10 में से दो घटाएंगे तो बचेगा 8, 4 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 3। कितना आया? 383। तो पहले यहाँ लिखिए 383, 383, ठीक है, पहला का उत्तर हो गया। काफ़ी सरल है बच्चों। दूसरा प्रश्न है 380, और उसमें से हमें घटाना है 122। तो 122 को घटा देंगे। सबसे पहले इकाई के अंक को घटाएंगे, शून्य में से दो नहीं घटेगा, इससे पैंचा लेगा तो यहाँ होगा 10, और यहाँ पे 8 था, इसको एक पैंचा दिया, बचा 7। ठीक है, 10 में से दो घटाओगे तो बचेगा 8, 7 में से दो घटाएंगे तो बचेगा 5, 3 में से घटाएंगे तो बचेगा 2। कितना हो गया? 258 हो गया। तो 258 लिख देंगे बच्चों दूसरा में। देखें कितना सिंपल प्रश्न है ना। इसी तरह हमें करना है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न भी समझ लीजिए, उसके बाद आप सभी तीनों प्रश्न, इधर जो प्रश्न दिए हुए हैं तीन ठो, उसे आप लोगों को अपने से करना है। बोलो कि सर अपने से करने क्यों देते हो इतना ज़्यादा? तो बच्चों देखिए, एग्ज़ाम जब होगा तो उस समय आप लोग देने जाओगे, ना कि मैं जाऊँगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करिए रहोगे आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई का अंक है एक, एक में से 8 घटाना है तो नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा लेंगे तो होगा 11, और यहाँ पे 8 था, एक पैंचा दिया तो बचा 7। अब 11 में से 8 घटाओगे तो 8, 9, 10, 11, 3 बचे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे 7 में से 2 घटाओगे तो 5, 4 में से 2 घटाओगे तो 2। कितना आया? 253, 253 यहाँ लिख देना, ठीक है बच्चों। इसके बाद का प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया कि होमवर्क आपको कर लेना है, और कमेंट जरूर करना है कि कितने बच्चों ने होमवर्क किया था, कितने बच्चों को वीडियो अच्छी लगी, वे सभी लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे इसके आगे के प्रश्न, जो पृष्ठ संख्या 43 में बच गए हैं, ठीक है। पृष्ठ संख्या 43 में अंक जो बच गए हैं उसे हम अगले वीडियो में एकदम आराम से करेंगे। धन्यवाद बच्चों।